इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एनोजोल क्रीम एंटीफंगल नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है इसका उपयोग त्वचा के फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है ये एथलीट फुट थर्श और दाद जैसे संक्रमण का कारण बनने वाले कवक को मारकर काम करता है केनोज़ोल क्रीम का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में किया जाना चाहिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस औषधि का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए अपनी आवश्यकता से अधिक उपयोग न करें यह आपकी स्थिति को तेज़ी से साफ नहीं करेगा और केवल दुष्प्रभाव बढ़ा सकता है त्वचा के संक्रमण आमतौर पर दो से चार सप्ताह के बाद ठीक हो जाते हैं आपके डॉक्टर द्वारा कहे गए समय से अधिक समय तक दवा का उपयोग न करें और यदि दो से चार सप्ताह के उपचार के बाद भी आपकी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उसे बताएं यदि आपके पास एथलीट फुट है तो अपने मोजे या चड्डी अच्छी तरह धो लें और यदि संभव हो तो अपने जूते रोजाना बदलें इस दवा का उपयोग करने के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स में एप्लीकेशन साइड प्रतिक्रियाएं जलन जलन खुजली और लाली सूखापन छीलने या त्वचा का फफोला शामिल है कभी कभी यह आपके बालों के पतले होने का कारण बन सकता है ये आमतौर पर गंभीर नहीं होते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इसके संकेतों में दाने होंट गले या चेहरे की सूजन निगलने या सांस लेने में समस्या शामिल हैं ऐसा होने पर आपातकालीन सहायता प्राप्त करें अपनी आंखों के सीधे संपर्क से बचें सीधे संपर्क के मामले में अपनी आंखों को पानी से धोएं और तत्काल चिकित्सा सहायता लें यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मुंह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी लेकिन इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपने हाल ही में एक अन्य दवा का उपयोग किया है जिसमें स्टेरॉइड होता है या किसी अन्य एंटीफंगल दवा से एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए इस क्रीम का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसकी स्पष्ट रूप से आवश्यकता हो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद